नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले हमने जो सेट नंबर 27 देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, अलग से प्लेलिस्ट भी है, उसमें बाकी के भी सेट देख सकते हैं। सेट नंबर 28 आज देखेंगे। 41 से 120 तक हमारे टोटल प्रश्न जाएंगे। मैथ और रीजनिंग के सेट के जो प्रश्न है वो इसमें नहीं देखेंगे। इससे पहले हर सेट में करा रहे थे वो आप देख सकते हैं। तो 41 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपका फीमर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और हाथ की जो हड्डी होती है उसमें आपको ये अलना देखने को मिलती है। हाथ की हड्डी में अलना भी देखने को मिलती है और इसके अलावा रेडियस जो आप देख रहे हैं ये भी देखने को मिलती है। रेडियस, अलना, ये हाथ की हड्डी होती है। पैर की जो हड्डी होती है वो आपकी टीबिया होती है। पैर की जो हड्डी होती है उसको टीबिया कहते हैं और एक और होती है जिसको हम फिबुला कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में कभी सही मिलान करने को आ जाए तो आप गलत मत कीजिएगा। टीबिया के अलावा यहाँ भी लिख देते हैं शॉर्ट में कि फिबुला भी जो है वो होती है पैर की हड्डियों में। वहां की जो हड्डी होती है ना उसको हम ह्यूमरस कहते हैं। और सब अगर पूरे शरीर की मैं कहूँ कि सबसे मजबूत हड्डी, तो बता चुके हैं आपको कि जो जबड़ा होता है, जबड़े की हड्डी होती है, ये पूरे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी में जो है वो आती है। मजबूत हड्डी पूरे शरीर की अगर आपसे कही जाए, और अगर पूरे शरीर की आपसे कहा जाए सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसको हम कहते हैं स्टेपीज। स्टेपीज जो हड्डी होती है वो कान में आपको देखने को जो है वो मिलती है। ये सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला देखते हैं, स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास गति क्या कहलाती है? तो ये आपकी पहला ही ऑप्शन जो देख रहे हैं थिग्मोनेस्टी, ये जो है आपका सही होगा। इंग्लिश में भी इसी का यही नाम है और हिंदी में दिशात्मक विकास गति के रूप में जानते हैं हम इसको। बाकी जो ऑप्शन लिखे हुए हैं जिसमें जैसे देखेंगे जियोट्रोपिज्म करके लिखा है, ये आपका होता है जब गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया में पौधे का कोई भाग होता है उसकी गति को लेकर के बात हो, इसको हम हिंदी में भू आकृति बात कहते हैं, इंग्लिश में जियोट्रोपिज्म कहते हैं। इसके अलावा फोटोट्रोपिज्म आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रकाश की प्रतिक्रिया में पौधों के भाग की जो गति होती है उसको कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। इसी प्रकार केमोट्रोपिज्म देख रहे हैं, इसको कहते हैं रसायनों के प्रतिक्रिया में पौधों के भाग की गति। तो एक अगर हम लाइन से इसको डिनोट करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रसायन से संबंधित, और अगर हम फोटोट्रोपिज्म को कहें तो हम इसको कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधों के भाग होते हैं या प्रकाश की प्रतिक्रिया में पौधा है तो प्रकाश प्लस गति पौधों की गति, ऐसे करके भी तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं, प्रकाश और पौधे। अगला देखते हैं कि कौन सा सबसे छोटा जीवित पक्षी है? तो कौन सा है आपका इनमें से? पहला ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं हमिंग बर्ड, ये जो है वो सही होगा। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा पक्षी आपका ऑस्ट्रिच का है। और वैसे इसी प्रश्न को ऑस्ट्रिच की जगह शुतुरमुर्ग भी लिख दिया जाता है, तो भी समझ जाइएगा इसी की बात जो है वो हो रही है। सबसे बड़ा पक्षी अगर आपसे कहा जाए, अगर अगर बड़ा पक्षी के संदर्भ में बड़ा स्तनधारी करके आ जाए या सबसे विशालकाय पशु के रूप में आ जाए तब आपका ब्लू व्हेल हो जाता है। सबसे ऊंचाई के संदर्भ में आ जाए कि सबसे ऊंचा कौन सा आपका पशु है तो आपका जिराफ हो जाता है। बाकी राष्ट्रीय अगर पशु की बात हो तो बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी की बात हो तो मोर है। राष्ट्रीय पक्षी अगर आपसे कहे तो मोर है पूरे भारत का, पर अगर आपसे कहे कि बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है तब क्या कहेंगे आप? गौरैया है। ये दोनों में अंतर आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि बिहार का भी आपसे पूरे पूरे पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जंतु में आता है। पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जंतु में आता है। और इस वर्ग के लक्षण क्या होते हैं? इनका जो जीवद्रव होता है उसमें एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। ये जो संघ के जंतु होते हैं इनके शरीर में काई ऊतक या अंग किसी प्रकार का नहीं होता है। और अगर प्रजनन की बात करें तो आलिंगी होता है और लिंगी दोनों विधियों से होता है। अगला देखते हैं, और अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अमीबा प्रोटियस करके है, लिख देते हैं। चलिए अमीबा प्रोटियस करके जो है इसका प्रोटियस लिख देते हैं, बाकी अमीबा तो आगे रहेगा ही रहेगा, इसका वैज्ञानिक नाम। अगला कह रहे हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा जो है वो लिखी गई? तो किसके द्वारा? आपका आंसर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है यहाँ पर हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने जो जैव विकास का संबंध था उसमें
डार्विनवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो डार्विनवाद पूछा जाता है किसने? अगर हम कहें कि जो लुई पाश्चर हैं, वो ऑप्शन पहले में दे रखा है इन्होंने, तो इन्होंने जो रेबीज का टीका था वो आपका जो है वो खोजा था, रेबीज का जो टीका था वो। और साथ ही साथ दूध के जब पाश्चराइजेशन की बात होती है, कॉट में लिख दिया है, तो उसको लेकर के भी खोज इन्हीं के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा ही नहीं है? तो कौन नहीं है? विली आप जो देख रहे हैं ये आपका जो है परिसंचरण प्रणाली के हिस्से में नहीं आता है। कहाँ पर देखने को मिलता है विली? तो ये आपको देखने को मिलता है छोटी आंत में। कहाँ देखने को मिलता है? छोटी आंत में ये आपको देखने को मिलता है। और ये छोटी आंत में उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जो पचा हुआ भोजन होता है केवल उसको अवशोषित करती है। तो इसलिए आप कहेंगे कि परिसंचरण तंत्र में यह हेल्प नहीं करते। अगर हम बात करते हैं कि विली जो है किनकी दीवारों पर होती है, तो इलियम की दीवारों पर होती है, उंगलियों के समान संरचनाएं होती हैं। और अगर हम कहें जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, वो वाहिनियां हृदय से रुधिर को शरीर के जो अलग अलग अंगों तक ले जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे धमनियां कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। और वो बाहर रुधिर आप कहेंगे वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर ले जाती हैं तो वो सिराएं कहलाती हैं। अच्छा, जो सिराएं होती हैं उसको वेनस कहेंगे, वेन्स कहेंगे, और जो धमनियां होंगी उसको आर्टरीज कहते हैं। तो हम अगर एक एक लाइन में लिख देते हैं तो इस तरीके से लिख देते हैं कि जो धमनी है और जो आपका सिरा है, तो धमनी कहाँ से कहाँ ले जाती है ब्लड? तो रुधिर वाहिनियां हृदय से, हाथ से, और ये ले जाती हैं शरीर के विभिन्न अंगों की तरफ, और सिराओं में उल्टा ये अंगों से ये ले जाती हैं हृदय की ओर। इतना बात आपको पता होना चाहिए। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। बाकी जैसे क्रांति आपकी श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा अगर बात करते हैं रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति आपकी तिलहन उत्पादन से जो है वो संबंधित है। और आपका गुलाबी क्रांति पूछी जाती है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आपका झींगा मछली जो होती है ना उससे संबंधित होती है, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित। और आपका हरित क्रांति तो जानते ही हैं कि खाद्यान्न फसल से संबंधित। अगला एक विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी के नाम से विषाणुओं के अध्ययन को जाना जाता है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि पैडोलॉजी और पैथोलॉजी जो दो लिखा है दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जो पैडोलॉजी है तो ये आपका संबंधित है मिट्टी से, मिट्टी की प्रकृति का जो अध्ययन किया जाता है वो पैडोलॉजी में किया जाता है। पैडोलॉजी वो अलग होता है जो बाल विकास पढ़ते हैं, और जो पैथोलॉजी होता है ये आपका चिकित्सा विज्ञान से, देखे होंगे जब कोई जांच वगैरह कराते हैं तो जाते हैं पैथोलॉजी में, तो वो संबंधित होता है पैथोलॉजी से। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको समझ के रखिएगा। अगला देखते हैं आपका बायोलॉजी तो जानते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला है इनमें से कौन सी धातु है जो सबसे अधिक तन्य है? आंसर की बात करते हैं तो सोना आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। धातुएं में ये खासियत होती है कि वो तन्य होते हैं। तन्य का मतलब होता है कि अगर कोई धातु है इस तरीके से, तो अगर हम इसको खींचें तो एक खींच करके इसको हम एक पतला तार बना सकते हैं, ये कहलाती है इसकी तन्यता। जैसे लोहा आपका है उसको भी आप इसके अंतर्गत रख सकते हैं, उसमें भी तन्यता का गुण होगा पर उतना नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो पूछा गया वो सबसे अधिक पूछा गया, तो सोना में सबसे ज्यादा होता है। एल्यूमिनियम आप जानते हैं इसका प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट, पूछा काफी जाता है। अगला क्वेश्चन है जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पाद और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डायलिसिस। ये आपने वर्ड सुना भी होगा कई बार, डायलिसिस में क्या किया जाता है, जो काम एक्चुअल में किडनी का होता है जब किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही तो उसको कृत्रिम तरीके से किया जाता है। तो रक्त को छानने का काम तो होता है परंतु वो एक कृत्रिम विधि से होता है। एक देखेंगे मशीन टाइप की लगी रहती है, उसमें आपका एक साइड से ब्लड आपका जाता है और उधर से छन करके वापस आपके शरीर में जाता है, इस तरीके से डायलिसिस होता है आपका। अगला कह रहा है इनमें से कौन है जो कि आपका पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो पानी के साथ प्रतिक्रिया कौन करता है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कैल्शियम। कैल्शियम अम्लों से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, और कैल्शियम प्रकृति में आप कहेंगे मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है।
जैसे अगर दूध में बात करें तो सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला तत्व तो होता है कौन सा है? कैल्शियम ही दूध में सबसे ज्यादा होता है। चांदी से रिलेटेड याद रख सकते हैं, इसका जो निष्कर्षण होता है वो अर्जेंटाइट अयस्क से जो है आपका किया जाता है। तो धातुओं में अगर सबसे अच्छे सुचालक की बात करें तो चांदी को ही जो है वो माना जाता है। अगला देखते हैं आपका, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है? तो इसे रंध्र कहते हैं। जब बात होती है वाष्पोत्सर्जन की तो इन्हीं रंध्रों से ही होता है। एक याद होगा एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ा रहे थे, उसमें उन्होंने किया प्रैक्टिकल किया था कि पत्ती में पन्नी लपेट दी थी, फिर देखा कुछ समय बाद कि उसमें छोटी छोटी बूंदे आ गई थी, वो क्या थी? वो वाष्पोत्सर्जन थी। अगला है कि डैश पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है, तो जल जा से जाइलम कई बार बताया है, ये तो गलत नहीं करेंगे। और इसी प्रकार फ्लोयम जो है खनिज पदार्थ से संबंधित हो जाएगा जो पहुंचाने का काम करते हैं। सिराएं हम आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं, धमनी और सिरा। क्लोरोप्लास्ट जानते हैं आप, जब बात होती है हरित लवक की तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, पादप कोशिकाएं जो होती है उसमें पाया जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो इसे क्लोनिंग कहते हैं, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित करने को लेकर के। सबसे पहला अगर क्लोन मैं आपसे कहूं कब तैयार हुआ तो 1997 में, और इसमें डॉली नामक एक भेड़ थी जिसका क्लोन सबसे पहले तैयार किया गया था। उस भेड़ का नाम क्या था? डॉली नामक जो है ये भेड़ थी जिसका सबसे पहले जो क्लोन है वो तैयार किया गया था। उसके बाद एक गाय भी क्लोन की गई थी 2019 में, जिसका नाम कागा रखा गया था, कागा नाम की गाय। उसका जन्म कागा का हुआ था 1998 में, पर उसका जो क्लोन तैयार किया गया था वो 2019 में तैयार किया गया था। अगला है कि मनुष्य वनस्पति और जीव जंतु मत्स्य पशु धन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वो क्या कहलाते हैं? तो उसको हम कहते हैं जैव संसाधन। क्या कहते हैं उसको हम? जैव संसाधन। जो संसाधन निर्जीव पदार्थ से प्राप्त हो वो अजैव संसाधन में आते हैं, और जो आपका अजैविक संसाधन है वो उसी से मिलता जुलता आपका हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें अजैव संसाधन में, तो आपका कहेंगे मिट्टी क्या है? मिट्टी आपका अजैविक संसाधन में ही तो आ रहा है। इसके अलावा हवा क्या है? तो अजैविक संसाधन में तो आ रहा है। पानी क्या है? इसी में तो आ रहा है। धातु क्या है? पत्थर क्या है? सब आपके अजैव संसाधन में आते हैं। नवीकरणीय स्रोत जो प्रश्न पहले ऑप्शन में दे रखा है ये क्या होते हैं? जिनको फिर से उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे आपका सौर ऊर्जा। सबसे एक एग्जाम्पल याद रखेंगे तो सौर ऊर्जा, जिसको आप फिर से जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। अगला है सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कॉपर निकस ने जो है सौर मंडल की खोज जो है आपका की थी। इनका नाम याद रखिएगा, सौर मंडल की खोज कॉपर निकस के द्वारा की गई थी। इन्होंने ही एक सिद्धांत दिया था जिसको हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं, और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी जो होता है इसी को ही हिंदी में कहते हैं सूर्य केंद्रीय सिद्धांत करके। तो इन्हीं के द्वारा जो है वो दिया गया था, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत अगर आपसे कहा जाए किसने दिया था तो आपका कॉपर निकस ने जो है वो दिया था। कहाँ के रहने वाले थे कॉपर निकस? तो पोलैंड के रहने वाले जो है ये थे, पोलैंड निवासी थे आपके कॉपर निकस। और इन्होंने ये भी बताया था कि जो सूर्य है सौर मंडल के अलावा, इन्होंने ये भी बताया था कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में और इसकी परिक्रमा करता है। ये आपका जैसे सूर्य है तो इसके चारों इस तरीके से आपका परिक्रमा करता है, इस तरीके से इन्होंने बताया था। बाकी यहाँ पर ऑप्शन में वास्को डिगामा का नाम दे रखा है। वास्को डिगामा की जब बात होती है तो आपको पता होना चाहिए कि केरल का जो कालीकट तट था वहां पर वास्को डिगामा सबसे पहले जो है वो आया था, और कब आया था तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1498 ईस्वी में जो है ये आया था। कहाँ का निवासी था वास्को डिगामा? तो पुर्तगाल का निवासी था। उसके अलावा न्यूटन भी ऑप्शन में दिया गया है। न्यूटन की जब बात होती है तो गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे, इनको आपको पता है। और न्यूटन की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नामक अगर आपसे कहूं कि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो न्यूटन के द्वारा जो है वो लिखी गई है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी मिश्रित धातु जो है वो नहीं है? कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? कहेंगे चांदी जो है वो मिश्रित धातु के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी मिश्र धातुओं में टाका भी आता है जो कि पीबी और एसएन से मिलकर के बना होता है। किससे किससे? पीबी और एसएन से। इसके अलावा जो पीतल है कई बार ट्रिक पिताजी बताई है, तो सीयू
प्लस जडन से मिलकर के बना है, कांसा की बात करें काटता करके ट्रिक बताई कई बार, तो सीयू और एसएन से मिलकर के बना। चांदी जो है वो आपका मिश्र धातु नहीं होती, धातु होती, 11वें वर्ग में आपको देखने को मिलती है। और जब भी अगर क्वेश्चन चांदी से बनता है तो एक क्वेश्चन बनता है वो आपका क्या, जो अभी बताया भी था आपको कि सबसे अधिक चालकता करके अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप क्या कहेंगे, चांदी की है सबसे अधिक चालकता। ऊपर जब आया था ना क्वेश्चन की सबसे अधिक तन्यता सोना में होती है, तो वहीं पर चांदी के बारे में बताया भी था आपको। अगला कह रहा है पहले स्तनपाई क्लोन भेड़ का नाम जो है वो क्या था। अभी ऊपर आया था कोई क्वेश्चन, उसके एक्सप्लेनेशन में बताया था कि डॉली जो है इसका नाम था, पहले स्तनपाई क्लोन का नाम भेड़ थी एक्चुअल में और इसका नाम था डॉली। डॉली की बाद में 2003 में मृत्यु हो गई थी, 2003 में फेफड़ों की बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई थी। आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी सूखी हुई पत्तियां इकट्ठा करता है और जलाता है। आपके विद्यालय का जो बागवान है, आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, तो आप क्या करेंगे, आप विद्यार्थियों से सूखी जो पत्तियां हैं वो इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे और खाद बनाने में सहायता करेंगे। ये ऑप्शन आपका सही होगा। सी क्यों नहीं होगा, सी में भी तो अच्छा सा लिखा था कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो ये बात सत्य है हानिकारक है, पर ये भी तो समझिए वो सूखी पत्तियों को बटोरना भी तो जरूरी है, तो बटोरेंगे तो आप पर जलाएंगे नहीं, और जलाने की बजाय उसको क्या यूज करेंगे, खाद बनाने में हेल्प करेंगे, तो उससे दोनों काम हो जाएंगे। अगर आप सी ऑप्शन के साथ जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है कि वो ऐसा करे ही ना, करे तो उसको जलाए ना, ये हमारा मेन उद्देश्य है, उसको सही दिशा में यूज करें। 60 प्रश्न देखते हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है आपका किस राज्य में स्थित है। साथ ही साथ लगभग 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, जो लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी अवश्य सभी लोग करते रहिएगा। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बता सकें। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कौन से राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में आपका पड़ता है। इसके अलावा सरिस्का और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपका राजस्थान में है। कौन कौन सा है, तो सरिस्का है, इसके अलावा कौन सा है, सरिस्का में रा पहले आएगा, और सरिस्का के अलावा और कौन सा है, रा में छोटी की मात्रा तो सही लगी, सा में छोटी की मात्रा नहीं लगनी चाहिए थी। सरिस्का है और कौन सा है, केवलादेव है, तो इसको ऊपर करके यहाँ लिख देते हैं केवलादेव करके, तो आप समझ जाएंगे। इसी प्रकार जब बात होती है उत्तर प्रदेश की तो आप क्या कहेंगे, यूपी में आपका पड़ता है दुधवा और चंद्रप्रभा करके, दुधवा है और भी हैं पर जो मेन है वो ही यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, दुधवा है और आपका चंद्र प्रभा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, यूपी में। जब गुजरात की बात होती है तो यहाँ पर कौन सा है, गिर गुजरात, बताए ना गिर गए तो गुजर जाएंगे, तो गिर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, गुजरात में। और काजीरंगा कहाँ है पूछा काफी जाता है, तो असम में। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी इनमें से कौन सा है, तो मैना आपका जो है वो सही होगा। मैना जो है उसकी ये विशेषता होती है कि उसका सिर गर्दन पूंछ ये सभी काले रंग के होते हैं, और पूंछ नहीं काले, पूंछ तो सफेद रंग की होती है, बाकी सब काले रंग का होता है, और मेल फीमेल में इसमें कोई अंदर अंतर नहीं आपको दिखाई देगा। और ये मैना जो है वो दूसरे जो पक्षी होते हैं उनके घोंसलों में अपने अंडे देती हैं। अगर भारत का राष्ट्रीय पक्षी हम आपसे कहें तो मोर है। कबूतर जानते हैं कि एक शांत प्रवृत्ति का होता है, इसीलिए इसको शांति का प्रतीक भी जो है, कबूतर को जो है वो कहा जाता है शांति के प्रतीक के रूप में। अगला देखते हैं, और तब तोता वगैरह अगर पूछा जाए कि कहाँ स्थिति में देखने को मिलता है, तो जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें ज्यादातर देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा विविधता अगर पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। पक्षियों की एक विशेषता ये भी होती है कि ये नियतापी प्राणी होते हैं, हृदय इनमें 4 कक्षक होते हैं। अगला कह रहे हैं कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है आपका, दाची गांव वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका हंगुल मृग के लिए जो है वो फेमस है। कहाँ पर आपको देखने को मिलता है दाची गांव, तो जम्मू कश्मीर में जो है ये आपका देखने को दाची गांव वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलता है। सरिस्का जो है ये कहाँ है, अभी बताया था सरिस्का जो है बाघ अभयारण्य, ये राजस्थान राज्य में पड़ता है और राजस्थान राज्य के अलवर जिले में देखने को जो है आपका ये मिलता है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड, शॉर्ट में यूके लिख दिया है। रानीखेत कहाँ पर है, तो ये भी आपका उत्तराखंड में ही देखने को मिलता है। रानीखेत एक्चुअल में एक हिल स्टेशन है जहां पर आपको धार्मिक स्थल, झील है, नदियां हैं,
ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अगला कह रहा है, यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है और दूसरे जीव को नुकसान होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं परजीविता। सहजीविता में दोनों को लाभ होता है पर परजीविता में केवल एक को लाभ होता है, दूसरे को आपका हानि होती है, इसको कहते हैं हम परजीविता। अगला, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। तो सुंडी और इल्ली करके जो आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ पर सही होगा। कीड़ों को तो आप कीट वर्ग में रखते हैं और कीट वर्ग की अगर बात होती है तो कौन से संघ में आते हैं? तो मैंने बताया भी था कल वाले प्रैक्टिस सेट में आया था कि आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। अगला, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो सबसे लंबा पेड़ के रूप में कौन जाना जाता है? आपका रेडवुड जो देख रहे हैं ये सबसे लंबा पेड़ के रूप में जाना जाता है। और अगर सबसे लंबा आवृत बीजी पौधा आपसे या वृक्ष पूछा जाए, सबसे लंबा आवृत बीजी वृक्ष कौन सा है? तो यूकेलिप्टिस आपको देखने को मिलता है और उसका पूरा नाम ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टिस देखने को मिलता है। तो यूकेलिप्टिस मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, बाकी आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर किसके संदर्भ में मैंने लिखा है। अगर ये आपसे कहा जाए कि चीड़ कैसे पौधे में आता है, तो चीड़ आपका ये एक अनावृत बीजी पौधे में आपका आता है। देवदार की अगर बात करते हैं तो देवदार जो है आपका एक सीधे तने वाला ऊंचा शंकुधारी पेड़ के अंतर्गत जो है आपका आता है। शंकुधारी पेड़ में लकड़ियां मजबूत होती हैं, हल्की और सुगंधित होती हैं। वानस्पतिक नाम क्या होता है इसका? तो आप कहेंगे तो सेड्रस करके होता है, सेड्रस डियोडारा करके। अगला देखते हैं आपका, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं कहाँ? स्थापित होते हैं तो बाह्य वायुमंडल आपका लिखा है एक्सोस्फीयर, ये आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। 36,000 किलोमीटर जो है उसकी ऊंचाई पर स्थित जो उपग्रह है वो आपको देखने को मिलते हैं। और ओजोन मंडल की अगर बात करते हैं तो उसको मध्य मंडल भी कहा जाता है। मध्य मंडल की अगर बात करते हैं तो उसमें ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है, इस तरीके से कह सकते हैं। और अगर वायुयान उड़ाने के लिए कौन सी लेयर होती है? तो समताप मंडल होती है। जो क्षोभ मंडल होती है सबसे निचले वाली, उसमें मौसम संबंधी जितनी घटनाएं देखने को मिलती हैं उसी में देखने को मिलती हैं। जो वायुमंडल होता है उसमें कौन सी गैस ज्यादा होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम की गैस की प्रधानता सबसे ज्यादा होती है। और पूरे अगर वायुमंडल में आपसे कह दूं तो सबसे ज्यादा आपको जो गैस देखने को मिलती है वो नाइट्रोजन देखने को मिलती है। अगला कह रहा है रक्ताल्पता एक है, क्या है रक्ताल्पता? अल्पता रोग करके जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा। अगर मैं कहूँ होता किसकी कमी से है रक्ताल्पता, तो आप कहेंगे ये विटामिन B12 की कमी से जो है आपका होता है। इसकी कमी से होता है रक्ताल्पता, विटामिन B12 जो है इसकी कमी से। अगर मैं आपसे कहूँ विटामिन B12 जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? साइनोकोबालमिन। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो आपका है साइनोकोबालमिन, ये इसका वैज्ञानिक नाम विटामिन B12 का होता है। विटामिन B12 जो है इसमें क्या पाया जाता है मुख्य रूप से? तो कोबाल्ट आपका इसमें पाया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आयरन की कमी से रोग कौन सा होता है, तो अल्पता के अलावा आपको एनीमिया भी देखने को मिलता है, तो एनीमिया रोग आपका हो जाएगा। बाकी वर्णांधता रोग अगर बात की जाती है, जिसमें हीमोफीलिया आता है, क्लीन फिल्टरन सिंड्रोम है, पटाऊ सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम, वो सब आनुवांशिक बीमारी होती है, वो अलग होता है, ये अलग होता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विद्युत हीटर का एलिमेंट इनमें से किस मिश्र धातु का बना होता है? तो नाइक्रोम का आपका जो है ये बना होता है। आंसर यहाँ पर नाइक्रोम जो है वो सही हो जाएगा। नाइक्रोम जो है किसकी मिश्र धातु होती है? तो नाइक्रोम आपका किसका किसका मिश्र धातु होता है? एक तरफ आपका निकल होता है और दूसरी तरफ आपका इसमें क्रोमियम होता है। तो निकल और क्रोमियम का मिश्रण होता है आपका नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है उसके अलावा अगर हम ये कहें कि विद्युत जो हीटर होता है उसका जो तार होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, वो गर्म हो जाता है ना, उसी से तो हीट मिलती है। विद्युत बल्ब की बात होती है करते हैं तो उसमें फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का यूज किया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि विद्युत चालकता के आधार पर सबसे ज्यादा चालकता किसमें होती है? तो सिल्वर में होती है, Ag में होती है, Ag सिल्वर जो है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो सिल्वर होता है उसमें सबसे ज्यादा चालकता आपको देखने को मिलती है, सर्वाधिक चालकता। अभी तक 2-3 टाइप के इस तरीके के पॉइंट हम लिखा चुके हैं जिसमें अलग अलग तन्यता अलग थी और ये अलग था। अगला देखते हैं कि जब बस का एक
ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। बिल्कुल, तो ये गति का कौन सा नियम है या कौन इसका क्या कारण होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा गति का जड़त्व। आंसर क्या हो जाएगा? गति के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। वस्तु का जो आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था या आप कहें कि सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है तो परिवर्तन नहीं ला सकती, उसको एक्चुअल में कहते हैं जड़त्व। जड़त्व किस पर डिपेंड करता है? जड़त्व डिपेंड करता है द्रव्यमान पर। जैसे इसके और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अगर कोई गाड़ी चल रही है, कभी आपने गलती से देखा होगा उसमें उतरते समय क्या होता है कि अगर आप गाड़ी की जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं अगर उस डायरेक्शन में चलते उतरते समय नहीं चले तो पक्का गिरेंगे, चाहे बस हो चाहे ट्रेन हो। इसमें अगर आप चलती गाड़ी से उतर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में आपकी चल रही है गाड़ी, थोड़ा सा आपको जो स्पीड है मेंटेन करने के लिए उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा चलना पड़ेगा। या तो आप इसको और दूसरे समय में समझेंगे तो लंबी कूद दौड़ता है कोई व्यक्ति, तो उसमें क्या होता है वो दूर से चल के आता है, वो भी इसी के एग्जाम्पल में जड़त में आ जाएगा। भार का इकाई SI क्या होता है? तो आपका न्यूटन जो है वो होता है बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है और उसी को ग्राम में भी बदल सकते हैं। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, कार्य का न्यूटन मीटर या जूल होता है, घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, श्यानता का न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर करके होता है। तो ये कुछ इसके हैं मात्रक। अगला, उस विटामिन का नाम जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, तो विटामिन के आपका यहाँ पर हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिलोक्यूनॉन जो है राइट, इसका रासायनिक नाम होता है, क्या होता है? फिलोक्यूनॉन का शॉर्ट में लिख दिया है, याद रहेगा आपको। विटामिन के एक्चुअल में रक्त स्राव रोधी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है और ये यकृत में जो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है उसके लिए जरूरी होता है विटामिन के। अगर कुछ और विटामिन की बात करते हैं जैसे विटामिन B1 की अगर बात करेंगे तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगर विटामिन B2 की बात करते हैं तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग जो है आपका होता है। अगर बात करते हैं विटामिन सी की तो इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगर बात करते हैं विटामिन ए की तो इससे रतौंधी नामक रोग होता है। अगर बात करते हैं विटामिन डी की तो इससे आपका सूखा रोग होता है। और सूखा रोग के अलावा आपको ऑस्टियो मलेशिया करके भी लिखा रहता है तो समझ जाइएगा कि विटामिन डी की ही बात जो है वो की गई। शॉर्ट में ऑस्टियो लिख दिया है, मलेशिया भी लिख देते हैं, तो ये आपका विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई की कमी से अगर बात करते हैं तो जनन क्षमता जो है उसकी कमी देखने को मिलती है। और विटामिन B12 आपका अगर बात करते हैं तो विटामिन B12 रक्त छिड़ता, साइनो को बाल में भी ऊपर आया था ना, तो तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ जो इतनी भी गड़बड़ियां होती हैं सब इसी से संबंधित। अगला है, इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कह रहे नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये आपका यहाँ पर जीवाश्मों से ऊर्जा, एनर्जी फ्रॉम फॉसिल्स जो देख रहे हैं ये आपका जीवाश्मों से ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में नहीं आता। बाकी नवीकरणीय अनवीकरणीय बता चुके हैं। नवीकरणीय वो जिनको हम वापस से प्राप्त कर सकते हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, और आपके जो अनवीकरणीय स्रोत हैं वो जो एक बार यूज हो जाए तो फिर वापस से यूज ना कर पाए जैसे कोयला, LPG, पेट्रोलियम। अगला है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो 0.1 सेकेंड तक कायम रहती है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि जो प्रतिध्वनि के लिए डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है तो 17 मीटर की होती है। यहाँ पर तो ये बताया गया है कि मतलब कितनी देर प्रभाव रहता है, तो मस्तिष्क पर 0.1 सेकेंड तक इसका प्रभाव रहता है। अगला है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसको वेग कहते हैं, डी आंसर हो जाएगा। वेग कैसी राशि है? तो वेग आपकी एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो आप कहेंगे सदिश राशि है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग आपका प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है और शून्य भी हो सकता है, तीनों ही आपका हो सकता है। ठीक, अगला देखते हैं। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, क्योंकि तो आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी विधि है जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो कौन सी हो जाएगी? क्रिस्टलीकरण जो आप देख रहे हैं ये आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, PDF जो सेट है इनकी हम टेलीग्राम पर आपको हिंदी इंग्लिश वाला सेट था और एक और सेट था उसकी भेज दी थी, वो वहां से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। विद आंसर हमने उसको भेज दिया है तो आंसर के लिए वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो अगर बात करें आंसर की तो यहाँ पर क्या है? क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण
क्रिस्टलीकरण नहीं, निस्यंदन। कौन सी विधि कह रहा है जो जल को पंकिल जल से अलग करेगी, तो आपका निस्यंदन जो है वो होगा। क्रिस्टलन जो विधि होती है उसके द्वारा तो जो अकार्बनिक ठोस होते हैं उसमें जो भी घटक होते हैं उसको अलग किया जाता है, अकार्बनिक जो ठोस होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट के तौर पर लिख दें अकार्बनिक, तो आप समझ भी जाएंगे, तो अकार्बनिक ठोस जो है उसके लिए होता है आपका अक्रिस्टलीकरण। आसवन विधि किसके लिए यूज होती है, इसमें मुख्यतः जो द्रव होते हैं ना उसमें जो मिश्रण होते हैं उसके लिए जो है वो यूज किया जाता है। द्रवों के मिश्रण को अलग करना हो उसमें आपका आसवन विधि का यूज किया जाता है। तो वाष्पन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे मान लिया कि पानी में तेल मिला हुआ है तो आपका एक अलग टेम्परेचर पर आपका वाष्पित होता होगा एक अलग में, तो ऐसे आप आसवन विधि से अलग कर लेते हैं। और कीप तो आप जानते हैं पृथक्कारी कीप, फिल्टर पेपर वगैरह से अलग कर देते हैं। अगला कह रहा है वी आई लेनिन, इसका संबंध किससे है। अच्छा, निसंदन में किससे अलग करते हैं, निसंदन में आपका ठोस कणों को किसी द्रव से या गैसीय पदार्थ में से, इसमें भी फिल्टर पेपर की सहायता से अलग किया जाता है, उसको निसंदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वी आई लेनिन का संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपका है वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से। लेनिन के नेतृत्व में रूस के जो जार थे उनको हटा करके मजदूर और किसान की सरकार जो है वो बनी थी। अगला देखते हैं 77 नंबर प्रश्न कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया, ये करा चुके हैं क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा आपका कांडला बंदरगाह। कांडला आपका कैसा बंदरगाह है, तो एक आपका ज्वारीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, और आपका ज्वारीय बंदरगाह के अलावा प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में भी आपका जो है ये जाना जाता है। एन्नोर बंदरगाह यहाँ पर नहीं लिखा है, कल वाले में शायद आया था, जिसको देश का पहला निगमित बंदरगाह के रूप में आप जानते हैं। और जो नावा सेवा बंदरगाह है उसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ये बता चुके थे सब डिटेल में। अगला है माओ जी डांग किस देश की साम्यवादी आंदोलन के नेता जो है वो थे, तो किसके नेता थे ये, तो ये नेता थे आपके चाइना के, ये आपका सही हो जाएगा। दस कुमार चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो दंडी जो आप देख रहे हैं ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दस कुमार चरित्र की रचना दंडी जी के द्वारा जो है वो की गई है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो दंडी जी हैं वो किसके दरबार में रहते थे, तो आप क्या कहेंगे, दंडी जी जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय, इनके दरबार में जो है वो रहते थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में दंडी जो है वो रहते थे, तो ये याद रख सकते हैं। बाकी बाण भट्ट की जब बात होगी तो बाण भट्ट ने हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ये तो आपको कई बार बता ही चुके हैं, हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट जो है वो रहते थे। इन्होंने किसकी रचना की है, तो इन्होंने आपका कादम्बरी की रचना और आपका हर्षचरित की रचना, के एंड एच लिख दिया है, कादम्बरी और हर्षचरित की रचना इनके द्वारा की। भास ने किसकी रचना की है, भास ने किसकी रचना की है, तो भास ने स्वप्नवास दत्ता की रचना जो है वो की है, किसकी रचना की है, स्वप्नवास दत्ता की रचना जो है वो भास के द्वारा जो है वो की गई थी। इसमें इन्होंने उदयन और अवंती नरेश थे, चंड प्रदोत उनकी पुत्री थी, वासवदत्ता उसकी कहानी, उसके प्रेम का वर्णन जो है इसमें किया गया, प्रेम कहानी का वर्णन। अगला कह रहा है उबेर कप किस लिए दिया जाता है, उबेर कप दिया जाता है आपका बैडमिंटन के लिए, और बैडमिंटन में किसका, तो महिला बैडमिंटन के लिए, क्योंकि तो ऑप्शन में पुरुष भी जो है वो दे रखा है। बैडमिंटन से संबंधित और भी कप होते हैं, जैसे अग्रवाल कप है, अमृत दीवान कप है, सोफिया कप है, थॉमस कप है आपका, थॉमस कप ज्यादातर पूछा भी जाता है। बाकी बॉस्केट गोपाल की अगर बात करें तो उससे संबंधित कप में आपका फेडरेशन कप पूछा जाता है, उसको याद रख सकते हैं। फुटबॉल से संबंधित कप कौन कौन से, तो फुटबॉल में आपका रोवर्स कप है, सुब्रतो मुखर्जी कप है, ये सब है आपके। अगला देखते हैं 81 प्रश्न, बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से इनमें से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो अवध में किया था, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अवध किसान सभा का जो गठन था वो कब हुआ था, 1920 में हुआ था, समय यहाँ लिख देते हैं कब हुआ था, 1920 में इसका गठन जो है आपका हुआ था अवध किसान सभा का। अगला है राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, किसके साम्राज्य के शासक थे, तो ये आपके गौड़ साम्राज्य के शासक थे, पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, गौड़ साम्राज्य के शासक थे राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा जो है वो की थी। अगला देखते हैं
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है इनमें से कौन सी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की देखने को मिलती है। ये लिपि दो तरफा लिखी जाती थी, यानी कि दाएं से बाएं भी लिखी जाती थी और आप देखेंगे तो बाएं से दाएं भी लिखी जाती थी। इसको कहते हैं दो तरफा। अगर मैं आपसे कहूं कि जो कनिंघम है, उनका नाम अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, तो 1873 में जो भाव चित्रात्मक लिपि है उसका जो संबंध है वो ब्राह्मी लिपि से किसने बताया था? तो कनिंघम ने बताया था, उनका नाम आपको देखने को मिलता है। और अगर सिंधु लिपि की बात होगी, उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो उसको सबसे पहले वेडल, LA वेडल करके थे, उन्होंने 1925 में जो है वो पढ़ा था। पहला मुगल बादशाह इनमें से कौन सा था? तो आपको पता है भाजसा करके ट्रिक होती है, तो सबसे पहले बाबर आता है, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे करके क्रम आपका चलता है। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद करके इसका वास्तविक नाम जो है वो था। और बाबर का भारत के विरुद्ध पहला अभियान कौन सा था? तो भेरा और बाजौर जो है उनके यूसुफ जाई जनजाति जाति थी, उसके विरुद्ध जो है वो था। तुझके बाबरी जो है नाम सुना होगा, तो भारत में सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों के अभाव का उल्लेख जो किया गया था वो तुझके ए बाबरी में जो है वो किया था। इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे, शाहरुख नाम से चांदी के सिक्के जो है वो चलाए थे। अगला है चेतिया गिरी बिहार, बिहार सांची में बनाए जाने वाला डैश पर्व है, तो आपका बौद्ध पर्व, आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चेतिया गिरी बिहार, जो बिहार है वो महोत्सव नवंबर महीने में जो है आपका मनाया जाता है। राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आप क्या कहेंगे? जेनेवा में जो है ये मुख्यालय आपको देखने को मिलता है, राष्ट्र संघ सचिवालय। राष्ट्रीय संघ के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1945 में हुई थी, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर के आपसे पूछा जाए। यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएन का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, वो भी यहाँ लिख देते हैं। यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है? आप कहेंगे न्यूयॉर्क में है, जो कि आपके पहले ऑप्शन में ही दे रखा है। राष्ट्र संघ का जनक किसको कहते थे? तो राष्ट्र संघ का जो जनक है वो कहते थे विल्सन वुडरो को। इसको कहते थे विल्सन वुडरो को, राष्ट्र संघ का जनक। और जो यूएन है इसके जनक के रूप में कौन जाने जाते थे? तो उनका नाम था रूज वेल्ट करके। क्या नाम था इनका? रूज वेल्ट करके। मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसको मॉल्चिंग कहा जाता है? मॉल्चिंग क्या होता है? पौधों के बीच खुली जो जमीन है उस पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है, इसे कहते हैं मॉल्चिंग करना, इसे कहते हैं मॉल्चिंग। ये भी दो टाइप से होती है, एक होती है प्राकृतिक मॉल्चिंग और एक होती है प्लास्टिक मॉल्चिंग। जो प्राकृतिक मॉल्चिंग होती है उसमें पुआल, भूसा, सूखी घास, गन्ने की पत्तियां, इन सभी अवशेष का यूज किया जाता है, और जो प्लास्टिक मॉल्चिंग होती है उसमें पॉलिथीन सीट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका थिम्पू कहाँ की राजधानी है? तो आप सभी को पता है थिम्पू जो है आपका भूटान की राजधानी है। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है नेपाल की राजधानी। इसके अलावा अगर बात करते हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, तो इसकी मुद्रा क्या चलती है? तो वान मुद्रा यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलती है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो बैंकॉक आपकी थाईलैंड की राजधानी। और उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? उत्तर कोरिया की राजधानी है आपकी प्योंग प्यांग करके, आधी पा यो और गा ऊपर बिंदी और उसके बाद प्यांग करके, ये आपकी उत्तर कोरिया की है। अगर दक्षिण कोरिया की राजधानी में कहूँ तो सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है आप कहेंगे? तो सियोल है, दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल। अगला देखते हैं आजाद हिंद फौज का गठन जो है वो कब हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का गठन आपका हुआ था 1942 में, सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। और अगर बात करते हैं तो राज बिहारी बोस जो है उनकी प्रेरणा पर कैप्टन मोहन सिंह ने INS की पहली डिवीजन की स्थापना जो है वो की थी, और जो आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन थी उसका गठन 1942 में ही जो है आपका हुआ था। फिर बाद में 1943 में जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो गए थे सिंगापुर, उनको आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति जो है 4 जुलाई 1943 को बनाया गया था। तो अधिकतर नाम आपको देखने को मिलता है इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी का ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार का विषाद इनमें से कौन सा है? तो बिहार का विषाद कहते हैं
कोसी नदी को, ये आपका सही हो जाएगा। बिहार का सोक के नाम से भी कहते हैं, पर अगर आपसे कह दिया जाए बंगाल का सोक किसे कहते हैं तो आप कहेंगे दामोदर नदी को। दोनों में अंतर है, बंगाल का अगर सोक कहा जाएगा तो आप कहेंगे दामोदर नदी को, बिहार का जो है वो कोसी नदी को। कोसी नदी फेमस किसके लिए? अपना रास्ता बदलने के लिए। अच्छा, चीन का सोक किसको कहते हैं बताइए? चीन का सोक जो है किसको कहते हैं? तो चीन का जो सोक है वो कहते हैं पीली नदी को। कौन सी नदी को कहते हैं? पीली नदी को जो है वो चीन का सोक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तथा कथित कुशासन के आधार पर, वीडियो जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, लगभग 20 120 तक क्वेश्चन है, यानी 30 क्वेश्चन हमारे और रह गए, और जितने भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिलता रहे, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी आप जुड़ सकते हैं। तो 91 क्वेश्चन देखें, तथाकथित कुशासन के आधार पर कौन से गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को जो है वो ले लिया था? तो कौन थे वो? आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इन्होंने मैसूर राज्य को जो है वो मिला लिया था। और कुशासन के आधार पर 1856 में अवध को किसने मिलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था, उसने तो चलाई थी राज्य हड़प नीति, तो उसने अवध को मिला लिया था 1856 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक चला था? अगर उसके समय की बात करें तो 1828 से स्टार्ट होकर 1835 तक जो है वो चला था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगला देखते हैं, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 में जो है आपका बना था। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 1933 में राष्ट्रपति जो हिंडनबर्ग थे, उनकी मृत्यु के बाद जितनी भी शक्तियां थी वो केंद्रित कर ली गई थी, और हिटलर ने बाद में आत्महत्या भी कर ली थी 1945 में। इनकी पत्नी ईवा थी, उनके ईवा ब्राउन करके, उनके साथ इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और यहूदियों को हिटलर ने काफी क्षति पहुंचाई थी, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए किसने क्षति पहुंचाई थी, हिटलर ने। आपका जो नाजी पार्टी थी उसकी स्थापना भी हिटलर ने जो है वो की थी। पोलैंड पर आक्रमण भी इसने 1939 में किया था। जब पोलैंड पर इसने आक्रमण किया था वो एक कारण भी कहीं ना कहीं बना था पहले विश्व युद्ध का, तो उसमें भी देखने को मिलता है। और बाद में हिटलर ने रूस पर आक्रमण किया था जो उसकी गलती मानी जाती है, सबसे बड़ी गलती के रूप में। अगला है, इनमें से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है? तो जापान के संविधान से आपका सही होगा। ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में विधि का शासन लिया गया है, परंतु जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात होगी तो फिर जापान के साथ जाएंगे। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, समझते रखिएगा। बाकी जैसे कनाडा के संविधान है, यहाँ से आपका क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है, कनाडा के संविधान से। अमेरिका के संविधान से आप कहेंगे तो मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है। इसी प्रकार अगर हम कहें कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो संवर्ती सूची ली गई है। आयरलैंड के संविधान से, तो आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी मैराथन में बता चुके हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? क्या हो जाएगा आंसर आपका? आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 34। कहीं भी सैन्य शासन को लागू जो है वो किया जा सकता है। और मेन स्थिति होती है जैसे कोई युद्ध जैसी हो, अशांति हो गई, दंगा कानून, इस तरीके वाली जो स्थिति होती है ना, मोस्टली उसी में ही देखने को मिलता है। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो चांद बीबी करके जो आप देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा। चांद बीबी ने 1599 का टाइम था जब विरोध जो है वो किया था, अकबर का विरोध करते हुए सेना के विद्रोह में जो है ये बाद में मारी भी गई थी, ऐसा इनके बारे में बताया जाता है। अगला देखते हैं, पहला अफीम युद्ध, दूसरे अफीम युद्ध और ताइपिंग विद्रोह, ये सभी किस युद्ध से जो है वो, किस देश से जो है वो संबंधित है? तो किससे संबंधित थे? ये सब आपके चाइना से संबंधित थे, चीन से संबंधित थे। पहला अफीम युद्ध हुआ था आपका 1939 में। कब हुआ था? 1939, 1939 से 1942 के बीच में पहला अफीम युद्ध आपका चला था, और ये हुआ था आपका चीन और ब्रिटेन के बीच में। किसके किसके बीच में हुआ था? चीन और ब्रिटेन के बीच में जो है ये आपका हुआ था।
उसके बाद आपका 1842 में ये जो पहला जो अफीम युद्ध था वो आपका समाप्त हो गया था। दूसरा जो अफीम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो वो आपका हुआ था 1856 से लेकर के 1860 के बीच में, ये आपका दूसरा अफीम युद्ध हुआ था। और जो ताइपिंग विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था, तो ताइपिंग विद्रोह आपका हुआ था 1850 से लेकर के 1860 के बीच में, नहीं 64 के बीच में। अगला देखते हैं आपका, पेसो जो है किस देश की मुद्रा है, तो किसकी है, तो आप कहेंगे अर्जेंटीना जो है वो आपका हो जाएगा। बाकी अर्जेंटीना की अगर राजधानी की बात करें तो क्या है, तो ब्यूनस आयर्स है। क्या राजधानी है, ब्यूनस आयर्स जो है ये आपकी राजधानी है, किसकी, अर्जेंटीना की। पंपास आपको घास के मैदान जब भी देखकर पूछा जाता है तो अर्जेंटीना आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो पंपास को अर्जेंटीना का हृदय स्थल के रूप में भी जाना जाता है। जब ब्राजील की बात होती है तो ब्राजीलियाई रियाल करके जो है ये यहाँ की मुद्रा है, ब्राजील की जो मुद्रा है ब्राजीलियाई रियाल करके यहाँ की मुद्रा देखने को मिलती है। ब्राजील को हम कहवे का घर भी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका की अगर मुद्रा की बात करें तो क्या है, दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो है आपकी रैंड करके, तो ये आपकी दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा हो जाएगी। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले जो घास के मैदान है इसको क्या कहते हैं, तो इसको वेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसी प्रकार अगर मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में आपके कौन से घास के मैदान हैं, तो मलेशिया में आपके घास के मैदान के रूप में कोई खास नहीं देखने को मिलते हैं। मुद्रा आप याद रख सकते हैं, वो आपका है रिंगित करके मुद्रा चलती है। क्या चलती है, रिंगित, ये मुद्रा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अगला देखते हैं, इनमें से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी, तो किसने प्रारंभ की थी, ये प्रारंभ की थी गुरु अंगद ने। किसने प्रारंभ की थी, गुरु अंगद के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। किस भाषा में ये लिपि यूज होती है, आप कहेंगे पंजाबी भाषा में जो है ये लिपि आपको देखने को जो है वो गुरुमुखी लिपि मिलती है। और सिखों के जो पवित्र ग्रंथ थे गुरु ग्रंथ साहिब, उसकी रचना भी इसी गुरुमुखी लिपि में ही की गई है, इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। अगर सिख संप्रदाय की स्थापना की बात करें तो किसने की थी, तो स्थापना जो है वो गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने, पहले गुरु के रूप में जाने जाते हैं, याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आपका जो है ये आया था। कब से कब तक चली थी ये चौथी पंचवर्षीय योजना, तो आपकी 1969 से लेकर के 1974 के बीच में आपकी ये चली थी। बाकी ज्यादातर टॉप थ्री से ज्यादा पूछा जाता है कि इसमें एक दो ऐसे लक्ष्य हैं जो रखे गए जो बार बार रिपीट होते हैं। 100वां प्रश्न आपका है, 44वां संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को प्रभावित किया था, तो कौन सा अनुच्छेद था जिसको प्रभावित किया था, 300A आपका सही होगा। 300A में क्या था, तो आपको पता है कि जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, उसको हटाया गया था मौलिक अधिकार से। उसके बाद उसको कहाँ रखा गया था, तो इसी 300A में रखा गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन में और क्या खास था, तो इसमें जो राष्ट्रीय आपात स्थिति थी उसको लागू करने के लिए एक शब्द था आंतरिक अशांति, उसकी जगह पर क्या वर्ड यूज होने लगा था, सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाया गया था। ये सारी चीजें हम जो मैराथन थी उसमें करा चुके हैं, नहीं देखा हो देख लीजिएगा। बाकी 44वें संविधान संशोधन में ही आपका जो 19F है और 31 है उसको निरस्त कर दिया गया था, और संपत्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न आपका 101 कि कामेत नामचा बरवा गुरला मन धाता, इनमें से किसके जो है वो नाम है, तो किसके नाम है ये सभी, ये सभी आपके हिमालय की जो पर्वत चोटियां हैं इसके नाम है। तो आपका आंसर डी वाला जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगर बात करते हैं तो कौन सी चोटी है जैसे सबसे ऊंची चोटी के रूप में, तो माउंट एवरेस्ट ऊंचाई कितनी है, 8048 करके। कंचनजंगा की बात करें तो 8598 करके। मकालू जो है उसकी 8485 करके। धौलागिरी जो है उसकी 8172 है। तो ये सभी जो है वो बृहत हिमालय की चोटियां हैं। और अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो नदी घाटी के आधार पर अगर हम हिमालय का वर्गीकरण करें तो पंजाब हिमालय, कुमाऊ कुमायू हिमालय,
ट्रिक आपको बताई थी ना एक बार मैंने, पकना करके, पी के एन ए। तो यहाँ पर पंजाब हिमायू, के से कुमायू हिमालय, एन से नेपाल हिमालय और आ से असम हिमालय। तो ये जो है किसके किसके बीच में, सिंधु से सतलज के बीच में है। किससे किसके बीच में, सिंधु से सतलज के बीच में। उसके बाद आपका जो कुमायू हिमालय है ये सतलज से काली नदी के बीच में पड़ता है। उसके बाद नेपाल हिमालय काली नदी से आपका तिस्ता नदी के बीच में जो है वो पड़ता है। और उसके बाद आपका जो चौथा है असम हिमालय, ये आपका तिस्ता से दिहांग नदी के बीच में पड़ता है। तो ये चार हैं जो कि किसके आधार पर हैं, जब नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण करेंगे। और जो स्टार्टिंग में बताया वो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के आधार पर आप वर्गीकरण करते हैं। दिहा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर शासन जो है वो किया था, दिहा नहीं दिद्दा नाम है, तो किस भाग पर शासन किया था, आपका आंसर यहाँ पर कश्मीर जो है वो सही हो जाएगा। और उत्पल वंश की राजधानी थी ये दिद्दा, किस वंश की, उत्पल वंश के। और अगर उत्पल वंश के हम बात करें संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम देखने को मिलता है अनंती वर्मन करके, अवंती वर्मन करके उत्पल वंश के संस्थापक थे अवंती वर्मन, परंतु उत्पल वंश से संबंधित थी ये दिद्दा। बाकी अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए जो है आपका मान्यता जो है वो दी जाती है, तो पुलित्जर पुरस्कार साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका दी जाती है। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी पुलित्जर पुरस्कार की, तो आप कहेंगे 1917 में जो है ये हुई थी। अगर बात करें कि कितने रुपए दिए जाते हैं इस पुरस्कार में, तो 15,000 डॉलर दिए जाते हैं। समझ रहे हैं, रुपए नहीं है ये, 15,000 डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाती है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है, तो टोटल 22 श्रेणियों में ये पुरस्कार आपका दिया जाता है, जिनमें से 7 जो श्रेणी हैं साहित्य से संबंधित हैं, और 7 22 जो में बची आपकी कितनी, 15 श्रेणी ये पत्रकारिता से संबंधित हैं। एक पुरस्कार पूछा जाता है विटली अवार्ड, वो किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपके कोर्स में है पर्यावरण ईवीएस, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि विटली अवार्ड अगर आपसे पूछा जाए तो ये दिया जाता है किससे संबंधित में, तो आप कहेंगे पर्यावरण के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, पर्यावरण से जो है ये संबंधित आपका पुरस्कार है। 104 है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है, तो किसकी आत्मकथा है ये आपका सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर जो है इनकी आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है, प्लेइंग इट माई वे करके, क्या नाम है, प्लेइंग इट माई वे करके शॉर्ट में लिख दिया है, आप पहचान जाएंगे। इसी प्रकार अगर बात करते हैं सौरभ गांगुली जो है उनकी, तो सौरभ गांगुली की आत्मकथा का नाम क्या है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ करके, ये इनकी सौरभ गांगुली की है, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको भी, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ करके ये इनकी जो है वो आत्मकथा हो जाएगी, या इनकी सीधे सीधे पुस्तक आप कह सकते हैं, वैसे तो आत्मकथा ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है, तो क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है, 20.12 मीटर जो है आपको ये देखने को मिलती है। कहाँ से शुरुआत इसकी मानी जाती है क्रिकेट की, तो इंग्लैंड से। कितने इसमें टोटल खिलाड़ी होते हैं, तो आप कहेंगे टोटल 11 खिलाड़ी इसमें होते हैं। अगर क्रिकेट के स्टंप की लंबाई आपसे पूछी जाए कितनी होती है, तो स्टंप की लंबाई जो है वो आपका 71 सेंटीमीटर जो है आपको देखने को मिलती है। और क्रिकेट पिच की लंबाई प्रश्न में पूछी गई है, अगर आपसे लंबाई की जगह चौड़ाई पूछ लेता तो आप क्या कहते, तो चौड़ाई जो है इसकी 10 फीट जो है वो होती, बाकी आप किसी भी उसमें चेंज भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, किसने किया था अनुवाद, ये अब्दुल कादिर बदायूनी करके जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा, तो अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान और नकीब खां, ये तीन नाम देखने को आपको मिलते हैं। बाकी यहाँ पर रामायण का पूछा गया है तो अब्दुल हो जाएंगे। अगर आपसे रामायण और महाभारत के संदर्भ में एक साथ पूछता और तीनों नाम दिए होते तो आप जा सकते थे उनके साथ। जब महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद है वो किस नाम से जाना जाता है, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो उसको कहते हैं रजमनामा, क्या कहते हैं उसको, रजमनामा के नाम से जो है वो जानते हैं। किसका,
महाभारत जो है उसका फारसी भाषा में अनुवाद। रज्मनामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कौन से वर्ष जो है वो आपका हुई थी? तो ये बता चुके हैं कई बार कि 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसने की थी? सलीमुल्ला खां का नाम आपको देखने को जो है वो मिलता है। सलीमुल्ला खां जो है इनकी अध्यक्षता के रूप में नवाब सलीमुल्ला का नाम देखने को मिलता है। और दो नाम और भी बताए थे, पर मुख्य रूप से अगर कभी नाम आएगा तो इनका आप दे सकते हैं। बाकी अगर तीनों के नाम दिए होंगे तो मोहसिन उन मुल्क भी दे देते हैं, सलीमुल्ला भी दे देते हैं, तीनों करके भी नाम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एंड करके मोहसिन भी साथ में जो है वो लिख देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना वो बाद में जुड़े थे, 1913 का टाइम शायद था। अगला है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये आपका ग्वालियर में स्थित है। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। तानसेन की जब बात होती है ना तो ये किसके नवरत्न में आते थे? तानसेन किसके नवरत्न में आते थे? तो ये आपके अकबर के नवरत्नों में जो है आपके आते थे। अकबर के नवरत्न में तानसेन आपके जो है आते थे। तानसेन के गुरु स्वामी कौन थे? तो तानसेन के जो गुरु थे उनका नाम था हरिदास। हरिदास जो है तानसेन के गुरु का जो है वो नाम था। अगला है, अशोक का मानसेहरा और सहबाजगढ़ी अभिलेख कौन सी लिपि में है? तो कौन सी लिपि में है? ये आपका खरोष्ठी लिपि में देखने को जो है आपको मिलता है। और ये जो अभिलेख हैं वो गांधार से जो है वो आपके प्राप्त हुए हैं, खरोष्ठी लिपि में जो भी लिखे गए अभिलेख हैं। यूनानी जो शासक थे ना, उन्होंने भी अपने शासनकाल में जो सिक्के थे उसको खरोष्ठी जो लिपि है उसी का यूज किया था। खरोष्ठी लिपि की खासियत ये होती है कि ये आपकी दाएं से बाएं लिखी जाती है। और जो अशोक था उसके शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक सारी लिपियां देखने को मिलती हैं। अगर बात करें ग्रीक और अरमाइक लिपि कहाँ से मिलती है, तो वो अफगानिस्तान से मिलती है। और अशोक के शिलालेखों की जो खोज है वो किसने की थी? तो वो की थी फेंथलर ने। पढ़ना में सफलता प्राप्त की वो क्वेश्चन अलग है, और खोज किसने की वो प्रश्न अलग है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? किसका परिणाम था ये? आंसर आपका एम के गांधी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसको हम महात्मा गांधी जी जो है वो कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? निर्वाचित मुखिया होते हैं, बिल्कुल होते हैं। निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 5 या उससे अधिक जनसंख्या जो है उसका प्रतिनिधित्व करें, ये भी होते हैं। तो आंसर आपका पहला और दूसरा यहाँ पर सही होगा, पंचायत सेवक इसमें नहीं आएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है। पंचायत जो सेवक होते हैं वो आपके ग्राम पंचायत में सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय संसद में इनमें से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है? कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 250 आपका यहाँ पर हो जाएगा। और 252 में क्या बताया गया है कि संसद दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 249 में क्या बताया गया है? 249 में राज्यसभा की सिफारिश से संसद राज्यसभा के विषय पर कानून बना सकता है, ये इसमें बताया गया। 253 में क्या बताया गया है? तो अंतरराज्यीय जो समझौता है उसको लागू करने को लेकर बात की गई। अगला कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जनवरी 2023 में किस पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित जो है वो किया? तो किसको घोषित किया था? आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अब्दुल रहमान मक्की करके जो आप देख रहे हैं, ये जो है आपका सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान मक्की। अगला क्वेश्चन आपका है, 15 से 17 जनवरी 2023 के बीच जल्लीकट्टू बुल फेस्टिवल कौन से राज्य में आपका मनाया गया है? तो कहाँ पर मनाया जाता है? वैसे तमिलनाडु में मनाया जाता है, ये आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका, फरवरी 2023 में भारतीय मूल की किस महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए रिपब्लिकन पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है? निकली हेली करके जो आप देख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, 21 से 23 मार्च की दूसरी G20 SFWG इसकी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसकी बैठक राजस्थान में आपका आयोजित जो है वो हुई थी। अगला है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला इनमें से कौन बनी? आंसर की बात करते हैं तो आपका सुरेखा यादव जो देख रहे हैं ये बनी, और एशिया की पहली महिला
रेल लोको पायलट के रूप में भी ये जानी जाती हैं। 118 प्रश्न हम आपसे लास्ट में पूछेंगे। 119 प्रश्न है, विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को जो है ये मनाया जाता है। थीम इस बार की रही थी जागरूक रहें, शेयर करना, देखभाल और थैलीसीमिया केयर गैप को पाटने हेतु शिक्षा को मजबूत करना है, ये इस बार की थीम थी। 120 प्रश्न इस वीडियो का, और इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा जो भी जान पढ़ना हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा अगर वीडियो में बाद में जुड़े हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। 120 प्रश्न है, सी इज विमेन इन स्ट्रीम स्टीम करके ये किसने लिखी है? तो आंसर की बात करते हैं, एल्सा मैरी डी सिल्वा और सुप्रीत के सिंह करके जो नाम देखना है ये आपका सही है। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, वीडियो को समाप्त करने से पहले, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, 118 वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? अपना आंसर बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। 7 अप्रैल को मनाया जाता है, या फिर 7 मई को मनाया जाता है, या 7 जून, या 7 जुलाई। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडीडा सर्च करके जुड़ सकते हैं। PDF आज ही भेज दी थी मैंने मॉर्निंग में, वो सभी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।